वेलकम बच्चों हमारे अगले सेशन में। आई होप प्रीवियस प्रॉब्लम्स को आपने सॉल्व किया होगा और देखा होगा। इसके आगे की तरफ जाते हैं हम लोग। अबॉब ऑफ मास ए, अबॉब ए ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज रिलीज्ड। ये ए को रिलीज किया व्हेन द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद वर्टिकल। जब उसका स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ एंगल 45 डिग्री बना रहा था और इट हिट अनदर बॉब बी, दूसरे बॉब बी को इसने हिट किया। ये ए को दूसरे बॉब बी को उसने हिट किया और ऑफ द सेम मटेरियल एंड सेम मास। मटेरियल सेम था और मास भी सेम है और ये केप्ट एट रेस्ट, मतलब ये रेस्ट पे रखा हुआ ऑन द टेबल। नाउ इफ द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, देन अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है तो क्या होगा? अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है तो देखो बी विल राइज टू अ हाइट इक्वल टू ए एंड ए कम्स टू रेस्ट। मतलब ए आएगा, इसको टकराएगा ऐसा और ये ऐसा ऊपर जाएगा, ये ऐसा होगा। मेरे हाथ के एक्शन को देखो। ओके, फर्स्ट ऑप्शन ये है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन गलत क्यों है? बी मूव्स फर्स्ट एंड ए फॉलोज इट विद हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या बोल रहा है कि बी मूव्स फर्स्ट, मतलब सबसे पहले बी मूव करेगा, मतलब ए टकराएगा इसको तो बी पहले मूव करेगा और ए उसके पीछे पीछे आधी स्पीड से। पहले अगर 10 मीटर पर सेकंड स्पीड थी ए की तो बाद में ये स्पीड 5 होकर इसको फॉलो करेगी, नहीं होता ऐसा। ठीक है, बोथ ए एंड बी कम्स टू रेस्ट, नॉट पॉसिबल। एंड बोथ ए एंड बी मूव्स विद द सेम वेलोसिटी ऑफ ए, नहीं ऐसा भी नहीं है। स्पीड ड्रॉप होगी, डेफिनेटली ड्रॉप होगी। ठीक है, अगर दोनों साथ में चलेंगे तो, दोनों अगर साथ में जाएंगे तो स्पीड इसकी ड्रॉप हो जाएगी। ओके, चलो हम अभी अगले प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अ पार्टिकल ऑफ मास एम मूव्स विद अ स्पीड वी हिट्स इलास्टिकली अनदर स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ द सेम मास ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्यूब ऑफ रेडियस आर एज शोन इन द फिगर। मतलब ये जो पार्टिकल है एम, ये गोल घूम रहा है और अनदर पार्टिकल एम को वो टकराएगा विद वेलोसिटी वी, और दोनों का मास सेम है एम और रेडियस जो है वो आर है एज शोन इन द फिगर। द टाइम इन विच द नेक्स्ट कोलिजन विल टेक्स प्लेस, नेक्स्ट कोलिजन होगा। देखो टकराया, फर्स्ट कोलिजन हुआ, ये एम इसको टकरा के पहला कोलिजन हुआ, उसके बाद क्या करेगा एम जाएगा आगे और एक सर्कल पूरा करेगा। फर्स्ट कोलिजन देखो, यहां पर एम था, ये आया मेरा पहला पार्टिकल आया टकराया, जैसे टकराया तो अब ये रेस्ट पे आ जाएगा और ये मूव करेगा ऐसा। देखो मैं हाथ चेंज करता मेरा, देखो ध्यान दो, ये पार्टिकल जब इसको टकराएगा तो क्या होगा, ये रेस्ट पे आ जाएगा और ये गोल घूमेगा ऐसा पूरा, ये ऐसा गोल घूमेगा और अगला कोलिजन जो होगा वो टोटल 2 पाई आर डिस्टेंस पे होगा। कितने डिस्टेंस पे होगा? 2 पाई आर, 2 पाई आर डिस्टेंस पे होगा विद वेलोसिटी वी। तो वेलोसिटी वी पुट कर दिया तो 2 पाई आर बाय वेलोसिटी इज नथिंग बट टाइम, तो मुझे टाइम मिलेगा 2 पाई आर बाय वी। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। हम अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम है, टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस, दो इक्वल और अपोजिट पैरेलल फोर्सेस, ऐसे अपोजिट एक दूसरे के पैरेलल फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन फॉर्म अ कपल। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड है, हर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड है 50 न्यूटन, फॉर्म अ कपल, द मैग्नीट्यूड ऑफ कपल इज 100 न्यूटन मीटर। तो कपल का मैग्नीट्यूड कितना है? 100 न्यूटन मीटर का मैग्नीट्यूड दिया है। व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देयर लाइन ऑफ एक्शन? कपल यानी क्या होता है, ये एक फोर्स और फोर्स विच आर एट सर्टन परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी आर आर ले लेता हूं, तो मुझे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी 10 इंटू, देखो ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन, कपल का फोर्स जो है वो 50 न्यूटन का है, तो मुझे यहां पर 50 लेना पड़ेगा। देखो 50 न्यूटन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने आर लिया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर लिया इज इक्वल टू 100 न्यूटन मीटर, तो मुझे रेडियस मिल गया 2 मीटर मिल गया रेडियस। ओके, ये इस तरह का प्रॉब्लम है। ये देखो इसके ऑप्शंस देखो आप, 2 मीटर इसका आंसर है। लेट अस मूव टू अनदर प्रॉब्लम। तो बच्चों ये प्रॉब्लम में क्या दिया है, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड टेंजेंशियली टू द रिम ऑफ अ व्हील ऑफ डायमीटर 120 सेंटीमीटर। एक व्हील है, ओके इसमें टेंजेंशियल फोर्स लगा है, सपोज टेंजेंशियल फोर्स ऐसे लगाया एफ, टेंजेंशियल फोर्स लगाया और व्हील का डायमीटर दिया है 120 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया मतलब रेडियस कितना है, चलो पहले डायमीटर देखते हैं, डायमीटर है 1.2 मीटर, मैंने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। द व्हील रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर,
व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द व्हील. टॉर्क मतलब होता है, देखो द व्हील रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर. तो ये सेंटर को फिक्स किया है तो मेरा रेडियस जो है वो ये हो जाएगा 0.6 मीटर. याद रखो यहां से फिक्स है, ये जो रिम है सेंटर में फिक्स है. तो तुम ऐसा फोर्स लगाओ या एक साइड से फोर्स लगाओ, यहां पर फिक्स है. तो क्या होगा, तुमने ऐसा एक्शन लगाया तो ये सपोर्ट पे रिएक्शन ऐसा ऑटोमेटिक पैदा हो जाता है, तो ये ऐसा घूमेगा. तुमने ऐसा फोर्स लगा तो यहां कपल रिवर्स डायरेक्शन में बैलेंस करने के लिए पैदा होता है, लेटर ऑन देखोगे. पर यहां क्वेश्चन में कह दिया हमको ये आर लेना है. फिर अभी तो फोर्स इंटू, देखो सॉल्यूशन बताता हूं. ठीक है, ये हो जाएगा फोर्स, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. हो गया, सिंपल फॉर्मूला. फोर्स कितना दिया है मुझे, 100 न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सपोर्ट होता है, तो एक फोर्स यहां लगाया, दूसरा ये सपोर्ट जहां फिक्स किया एक्सिस पर, और ये 0.6 यहां पर हम पुट करेंगे तो आंसर मिल जाएगा हमको. ओके, लेट अस मूव टू अनदर प्रॉब्लम. तो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज एट ओरिजिन ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम. ये ओरिजिन है. ओके, द सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी इज एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम. देन द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजिशन ऑफ पार्टिकल ऑफ द बॉडी मे बी. अब स्टूडेंट्स ये ऑप्शन देखो, ये ऑप्शन में क्या है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी इज एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम. सपोज मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें एक्स और वाई सेंटर ऑफ मास यहां पर है, ओरिजिन पर, ओरिजिन पर बॉडी का सेंटर ऑफ मास माना गया है. तो देन द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पोजिशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ बॉडी, देन द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी मे बी. मतलब उसके जो बचे पार्टिकल है उनका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा. तो ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव जीरो, पॉजिटिव फ्रॉम सम पार्टिकल एंड नेगेटिव फॉर सम पार्टिकल. अब बच्चों अगर दिया है कि बॉडी का फुल मास जो है वो सेंटर ऑफ मास पे फोकस होता है, और अगर बॉडी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है मतलब लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल मासेस इक्वल पार्टिकल और राइट हैंड साइड में इक्वल पार्टिकल. अगर मेरे एक्स एक्सिस को जितने पार्टिकल है उनका एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल साइड पर है लेफ्ट और इक्वल साइड पर राइट में, मतलब जितना दूर नेगेटिव पर है उतना दूर पॉजिटिव पर है, तो उनका मीन जब हम करेंगे तो सेंटर ऑफ मास जो है वो हमारा सेंटर में आएगा. तो इसका मोस्ट करेक्ट आंसर जो है वो ये, पॉजिटिव फॉर सम पार्टिकल एंड नेगेटिव फॉर सम पार्टिकल, हाफ हाफ पार्टिकल के लिए चाहिए तो बराबर वो सेंटर में आएगा. ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम. तो बच्चों हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या दिया है, द सेंटर ऑफ मास, द सेंटर्स ऑफ थ्री स्फेरिकल मासेस. तीन स्फेरिकल मासेस है, इसमें पहला है 1 किलो वाला, देखो फर्स्ट है 1 kg, 2 kg एंड 3 kg. हैव कोऑर्डिनेट, पहले का कोऑर्डिनेट है 4, 0, एक्स कोऑर्डिनेट 4, वाई कोऑर्डिनेट 0, दूसरे का है 0, 3 और तीसरे का -2, 5 रिस्पेक्टिवली. नाउ व्हाट इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ इट सेंटर ऑफ मास. पोजिशन वेक्टर पूछा बेटा सेंटर ऑफ मास का आपको, तो हमको सेंटर ऑफ मास का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालना है. पहले तो हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे. सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या है, समेशन एक्स आई एम आई या एम आई एक्स आई अपॉन एम, समेशन एम. ओके, तो हम देखते हैं कैसे करेंगे, वैसे ही वाई के लिए समेशन एम आई वाई आई या वाई आई एम आई अपॉन टोटल मास, यानी सेंटर ऑफ मास ये एक्स कोऑर्डिनेट का सेंटर ऑफ मास और वैसे ही वाई कोऑर्डिनेट हमको मिल जाएगा. ठीक है, मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको. देखो यहाँ पर, तो बच्चों हमारे क्वेश्चन में हमको गिवन क्या था, देखो गिवन था m1 m2 m3 दिया था हमको, और x कोऑर्डिनेट xy मतलब हमको पहले कोऑर्डिनेट का पहला जो नंबर है फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट उनके कोऑर्डिनेट दिए थे, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट. तो ये पहला पार्टिकल फर्स्ट, ये सेकंड और ये दोनों थर्ड पार्टिकल का. देने के बाद मुझे वही मैंने फॉर्मूला बताया था आपको थोड़ी देर पहले, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट यानी m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 upon m1 plus m2 plus m3. तो यहां कैसे है, समेशन ऑफ एम आई एक्स आई अपॉन समेशन एम आई. ठीक है, ये फॉर्मूला यहां पर मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट की है क्योंकि बहुत सिंपल है, जस्ट वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो. ओके, तो ये इसका आंसर वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे हम. ओके, रिमेंबर दिस. तो अभी हम हमारे अगले प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं. ठीक है, देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम. तो बच्चों ये प्रॉब्लम देखो, इसमें क्या दिया है, द फ्रंट व्हील ऑफ अ ट्रक
टुगेदर सपोर्ट्स 1000 न्यूटन एंड इट्स रियर व्हील टुगेदर सपोर्ट 15,000 न्यूटन, सामने वाले 1000 न्यूटन और पीछे वाला 15,000 न्यूटन, 15,000 न्यूटन। द डिस्टेंस बिटवीन एक्सल्स इज 4 मीटर। तो दोनों एक्सल देखो, सपोज आपके रिस्पेक्ट में ये फ्रंट है और ये रियर है, ये 1000 न्यूटन सहन कर रहा है और ये 15,000 न्यूटन पीछे वाला एक्सल। द डिस्टेंस बिटवीन बोथ एक्सल्स इज 4 मीटर। एट वॉट डिस्टेंस बिहाइंड द फ्रंट एक्सल, फ्रंट एक्सल के पीछे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना डिस्टेंस पे आएगा, सिचुएटेड रहेगा। तो बच्चों इसमें कंसेप्ट कौन सा यूज करना, देखो जब भी ये सपोज ट्रक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे बैलेंस करना है ट्रक को तुमको, अगर ऐसा करना है तो क्या रहेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे बैलेंस करना है तो जस्ट उसको एक जगह पे रख दो, ऐसा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है एक ऐसे सपोर्ट के ऊपर रखो जिस पर उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाए। मतलब क्या करना पड़ेगा मुझे, ये देखो मुझे उस ट्रक को, वो जो ट्रक है मेरा, ठीक है, ट्रक को ऐसी जगह पे रखना पड़ेगा, ठीक है, फ्रंट से, ये मेरा फ्रंट है और ये बैक है, तो फ्रंट से इतनी डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा, ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे, और बैलेंस हो जाएगा सेंटर ऑफ मास के ऊपर। ओके, तो इसका सॉल्यूशन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो जरा ध्यान दो, ठीक है। हाँ तो बच्चों देखो क्या बोला मैंने, ये लाइन है, ये मेरा फ्रंट एक्सल और ये रियर। ओके, सपोज यहां पर मैंने ट्रक को रखा, रेस्ट किया, तो यहां पर मेरा सेंटर ऑफ मास है सी। अगर ये डिस्टेंस मेरा एक्स हो गया तो ये डिस्टेंस मेरा कितना होगा, मुझे गिवन है, क्या दिया बच्चों कि द डिस्टेंस बिटवीन एक्सल इज 4 मीटर, 4 मीटर दिया है। व्हाट डिस्टेंस बिहाइंड द फ्रंट एक्सल द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रक विल इज सिचुएटेड, तो ये मेरा 4 - x हो जाएगा। ओके, 4 - x होगा। अब देखो एक चीज ध्यान दो, यहां पर जब भी कोई बैलेंस होती है चीज तो क्या होता है, हमारा क्लॉकवाइज मोमेंटम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंटम को बैलेंस करता है। मतलब यहां पर को यहां पर लगने वाला वेट और यहां पर लगने वाला, फ्रंट में कितना लोड लग रहा है, 1000 न्यूटन फ्रंट में, तो ये 1000 और रियर में कितना लग रहा है, 15,000 न्यूटन। ओके, ये लग रहा है, ठीक है। तो अभी इसमें कहते हैं हम बेसिकली कपल को बैलेंस करते हैं या टॉर्क बैलेंस करते हैं, यानी कैसा कि सेंटर ऑफ मास पे रखा है ये पेन, मैंने ऐसा रखा है और ये बैलेंस हो गया, इसका मतलब क्या है कि ऐसा घुमाने वाला फोर्स, ये मास और ये डिस्टेंस, ये यहां पर लगने वाला मास और ये डिस्टेंस, इसको ऐसा घुमाएगा तो इस ऐसे फोर्स को, आपके हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज फोर्स को, ये वाला मास और ये जो डिस्टेंस है या फोर्स, मास की जगह फोर्स होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये वाला कपल जो है टॉर्क मोमेंटम वो उसको बैलेंस करेगा, तो ये ऐसा वाला मोमेंटम है। तो यहां पर क्या होगा, मैं क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, या क्या करता हूं, लेफ्ट हैंड साइड सी के लेफ्ट और राइट को इक्वेट करता हूं, यानी देखो क्या लिख रहा हूं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस राइट हैंड साइड। ओके, ये लिख रहा हूं। तो अभी मेरे पास फोर्स कितना है, 1500 लेफ्ट हैंड साइड, 1500 इंटू आर 4 - x और इज इक्वल टू 1000 इंटू एक्स RHS। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 1560 यहां पर और एक जीरो आएगा, 1000 है, 15,000, ठीक है, 60 एक दो तीन माइनस 15,000 एक्स इज इक्वल टू 1000 x। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, ये देख लो बच्चों इस तरीके से, यहां से आपको एग्जैक्टली वैल्यू ऑफ x मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ओके, हम अभी अगले प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। एक बार अगले प्रॉब्लम की तरफ जाने से पहले इसका सॉल्यूशन ध्यान दे लो, इसमें क्या करना है, ध्यान दो, इसमें ये वाला मोमेंटम इज इक्वल टू ये मोमेंटम, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस में समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो और समेशन ऑफ मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट इज ऑल्सो जीरो, तो ये लेके हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेट अस मूव टू अनदर प्रॉब्लम। बच्चों हमारे इस क्वेश्चन में क्या है, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास। तो पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी को समझो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, आप आई थिंक मेरे इतने पोर्शन को देख पा रहे हो, देखो अब मैं सीधा खड़ा हूं,
तो मेरा सेंटर ऑफ मास, जितनी बॉडी आप देख पा रहे हो यहां पर कहीं तो भी होगा, ठीक है, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ होल बॉडी, ठीक है। लेकिन अगर मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करूं, स्टिल अगर मैं ऐसा हो जाता हूं तो मेरा सेंटर ऑफ मास नहीं बदलता। ये याद रखो बेटा, सेंटर ऑफ मास कभी नहीं बदलता। सेंटर ऑफ मास वो बॉडी की ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, वो बॉडी की ज्योमेट्री के, ज्योमेट्री फिक्स है, ज्योमेट्री फिक्स, सेंटर ऑफ मास फिक्स। अगर मैं ऐसा करता हूं, अब मेरी ज्योमेट्री फिक्स हो गई, अब मैं ऐसा हो जाऊं या कैसा भी हो जाऊं तो मेरा सेंटर ऑफ मास फिक्स हो चुका है, वो चेंज नहीं होगा। पर बच्चों अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होती है, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे फर्क पड़ता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी क्या है, अ पार्ट ऑफ बॉडी वेर होल फोर्स ऑफ ग्रेविटी सेट टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, और वो अलग अलग होता है। देखो अगर शिप को पानी में रखा हमने, शिप को पानी में डाला, तो सेंटर ऑफ मास, उसका सेंटर ऑफ बॉयंसी और अर्थ का सेंटर अगर एक लाइन में है तो शिप बैलेंस रहता है। उसमें से किसी को भी तुम आड़ा टेढ़ा जगह शिफ्ट कर दोगे तो कभी बैलेंस नहीं होगा, वैसे हिलते रहेगा ऐसा, ठीक है। उनको एक जगह लाने के लिए अगर मैं कोई मैकेनिज्म लगाता हूं तो ऐसी शिप पे तुम कितने भी लहरें लगाओ पानी की, वो डूबता ही नहीं। तो आजकल के जो आधुनिक शिप है उनमें ये सिस्टम लगा हुआ है और वो डूबते नहीं, ठीक है। तो यहां पर एक चीज पता चल गया आपको, सेंटर ऑफ मास चेंजेस बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज रिमेन्स द सेम। ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास फिक्स होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदलती है बच्चों। सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंजेस एज वन गोज अवे फ्रॉम द अर्थ, ये बात सही है, ठीक है। ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी हमको किसकी वजह से फील होती है, अर्थ की वजह से। तुम वो डिस्टेंस चेंज करोगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होगी, बट सेंटर ऑफ मास रिमेन्स द सेम। ये ऑप्शन करेक्ट है, दे आर ऑलवेज एट द सेम पॉइंट, नहीं ऐसा नहीं होता, और नन ऑफ दिस तो गलत है। तो बी ऑप्शन इसका मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है। ओके, लेट अस मूव टू अनदर प्रॉब्लम। तो बच्चों देखो ये क्वेश्चन में क्या है, फाइव मासेस आर प्लेस्ड इन अ प्लेन एज शोन इन द फिगर, ऐसे प्लेन में रखे हुए हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास आर नियरेस्ट टू, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। बच्चों एक चीज ध्यान में रखो कि सेंटर ऑफ मास, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको क्वेश्चन में कि सेंटर ऑफ मास जो है वो ज्योमेट्रिकल सेंटर में होता है, ठीक है। तो एक चीज तो फिक्स है कि ज्योमेट्रिकल सेंटर यहां होगा, तो मुझे यहां पर सेंटर ऑफ मास मिलेगा। ओके, तो द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आर नियरेस्ट टू, हमारे पास फॉर्मूला है, देखो एक्स सेंटर ऑफ मास यानी समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू जीरो टू एन एक्स आई एम आई अपॉन समेशन एम। ओके, और सेम फॉर्मूला वाई के लिए, तो इस फॉर्मूले को यूज करके मैं आंसर निकाल के बताता हूं, देखो आप, ठीक है। तो बच्चों देखो इसके सॉल्यूशन में मैंने एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, पहला मास फॉर्मूला क्या है, एम वन एक्स वन, अब मेरे पास यहां टोटल पांच मास है, एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री प्लस एम फोर एक्स फोर प्लस एम फाइव एक्स फाइव अपॉन सम ऑफ टोटल मासेस एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री अप टू एम फाइव। अब यहां पर एक दो तीन चार पांच, ऐसे पांच मास है, तो पहले उसका एक्स कोऑर्डिनेट, वन के जी इंटू उसका एक्स कोऑर्डिनेट, वन के जी का, वन के जी का एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, टू के जी का एक्स कोऑर्डिनेट टू, थ्री के जी का एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, फोर के जी का एक्स कोऑर्डिनेट टू, फाइव के जी का एक्स कोऑर्डिनेट वन। तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय टोटल मास, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव, किया 17 बाय 5 यानी 1.15। अब यहाँ y जो है, अब y क्या होगा, वैसे सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 के जी का y कोऑर्डिनेट 0, तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, 1 इंटू 0 प्लस 2 का y कोऑर्डिनेट 0, तो 2 इंटू 0 प्लस 3 का y कोऑर्डिनेट क्या है, 2, 3 का y कोऑर्डिनेट 2 प्लस 4 का y कोऑर्डिनेट कितना है, 2, 4 का y कोऑर्डिनेट 2 प्लस 5 का y कोऑर्डिनेट कितना है, देखो 5 का y कोऑर्डिनेट कितना है, 1। ये देख लो बच्चों, और इन सब को, इन सब को डिवाइड बाय टोटल मास, टोटल मास कितना है मेरा, 15 किलो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इन सब का मास, ओके 15 केजी से डिवाइड किया तो मुझे इसका आंसर आएगा 1.25, ओके 1.25। तो मुझे क्या मिल गया आंसर, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट 1.5 और 1.25, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करते, देखो
शॉर्टकट मेथड है सॉल्व करने की, कोई लंबा नहीं सोचना, सीधा ये यूज करने का फॉर्मूला, इसलिए इसका सॉल्यूशन दिखा है मैंने, ठीक है।